नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा आठवीं के गणित में पाठ 15 क्षेत्रफल का प्रश्न संग्रह 15.4 करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 15.4। 15.4 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग उसके कुछ सूत्र देख लेते हैं। आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी एक त्रिभुज दिया रहेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये उसका सूत्र होता है। लेकिन ये कैसे सूत्र आएगा, यहाँ पे अगर आधार की लंबाई दिया रहेगा और ऊंचाई की लंबाई दिया रहेगा तब जाकर के ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। लेकिन अगर सपोज करो या समझो इसको कि अगर एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी और यहाँ पे इसकी भुजा दी गई है 10, इसकी भुजा दी गई है 15, इसकी भुजा दी गई है 20। अगर ये त्रिभुज की भुजा दी गई रहेगी, यहाँ पे ऊंचाई नहीं दी गई है, तब इसको कैसे निकालोगे। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। सबसे पहले हम लोग को अर्ध परिमिति निकालना पड़ेगा, मतलब यस निकालना पड़ेगा। उसका सूत्र होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जिसकी तीनों भुजाएं दी रहेगी तो उसको क्या करेंगे, करणी में यस गुड़े यस माइनस ए गुड़े यस माइनस बी गुड़े यस माइनस सी, ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और इस सूत्र को क्या कहते हैं, हीरो का सूत्र कहते हैं, हेरोंस फॉर्मूला कहते हैं। अब हम लोग करते हैं प्रश्न संग्रह 15.4। ये प्रश्न संग्रह 15.4, उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 45 सेंटीमीटर 39 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखोगे यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है, इसका हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी। इसकी भुजा कितनी दी गई है, ये है 45, ये है 39 और ये है 42। अब यहाँ पे भी देखोगे आधार दिया गया है लेकिन ये ऊंचाई नहीं दी गया है और तीन के तीनों भुजाएं दी गई है। तो हम लोग ने जो अभी फॉर्मूला देखा वो लगाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं ए बराबर क्या दिया गया है, 45 सेंटीमीटर, उसके बाद में बी दिया गया है 39 सेंटीमीटर और सी दिया गया है 42 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अर्ध परिमिति निकालेंगे। यहाँ पे लिखोगे अर्ध परिमिति बराबर यस बराबर क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी 2/2, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ये हो जाएगा ए कितना है 45, बी है 39 प्लस सी है 42, 2/2 आ गया। अब यहाँ पे इसको हल कर लो, 2/2 9, 5, 14, 14, 2, 16, 16 का 6, 8, 4, 1, 5, 5, 3, 8, 8, 4, 12, ये तीनों को जोड़ने पे कितना आता है 126। अब 126 को इसको यहाँ से कट कर दो, हो जाएगा 2, 6, 12, 2, 3, 6, कितना आया 63 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या दिया गया है, करणी में यस यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी, इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे इसका मान रख दो, ये हो जाएगा यस कितना आया है 63, यहाँ पे क्या आ जाएगा 63 यस माइनस ए, ये कितना है 45 है, यहाँ पे आ जाएगा 45। फिर यहाँ पे फिर से यस कितना है 63, बी कितना है 39, फिर से यहाँ पे देखोगे यस कितना है 63, सी कितना है 42, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखोगे यस 63 ए 45, फिर यस 63 बी 39, यस 63 सी 42। अब इसको हल करते हैं, यहाँ पे देखोगे यस हमारे पास कितना है 63 गुड़े, ये यहाँ से देखो, फिर 63 में से 45 गया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18। उसके बाद में दूसरा वाला कितना है, 63 में से 39 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 गुड़े 63 में से 42 गया तो ये हो जाएगा 21। कहने का क्या मतलब है, 63 गुड़े 63 में से 45 गया 18, 63 में से 39 गया 24
और 63 में से 42 गया तो 21। अब इसको हल करते हैं, यहाँ पे देखोगे गुणनखंड निकालो, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 63 है ना, अब यहाँ पे 63 का गुणनखंड निकालो। तो हम लोग जैसे गुणनखंड निकालते वैसे निकालेंगे, यहाँ पे 63 का मैंने गुणनखंड निकाला, तो ये 3 के पहाड़े से जाएगा तो हो जाएगा 3 × 2 = 6, फिर 3 × 1 = 3, फिर यहाँ पे 3 के पहाड़े से निकाला तो ये हो जाएगा 7, फिर ये 7 आया तो यहाँ पे क्या आ गया 3 × 3 × 7, ये किसका आया 63 का आया, 18 का भी ऐसा निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 3 × 3, देखो 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, फिर यहाँ पे 24 का निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3, देखो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। अब यहाँ पे 21 का भी ऐसे निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3 × 7, मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे इस तरीके से निकाल करके तब करना। अब हमको क्या करना है, यहाँ से दो दो की जोड़ी निकालनी है, तो देखोगे ये 3 3 का जोड़ी बना तो यहाँ पे 3 लिखा, अब यहाँ पे ये 7 और ये 7 की जोड़ी बन गई तो 7 × अब यहाँ पे देखोगे ये 2 और ये 2 की जोड़ी बन जाएगी तो 2 × ये 3 3 की जोड़ी बन गई 3 × ये 2 2 की जोड़ी बन गई तो ये 2 × ये 3 3 की जोड़ी बनी तो ये आ गया 3। अब इसको हम लोग को गुणा कर देते हैं, अब इसका गुणा करते हैं, यहाँ पे देखोगे 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 18 = 36, 36 × 3 = 108, 108 में 7 का गुणा करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 108 में 7 का गुणा कर दो, 7 × 8 = 56, हासिल 5, 7 × 0 = 0, 0 और 5 × 5 7 × 1 = 7, ये कितना हो जाएगा 756, ये आ गया 756 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसके उत्तर में लिखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 756 वर्ग सेंटीमीटर है। तो कहने का क्या मतलब, इसको कैसे हल करना पड़ेगा, सबसे पहले अर्धपरिमिति निकाल लेना है, उसमें ये तीनों को जोड़ देना है, ये तीनों को जोड़ने के बाद में आ जाएगा 126/2, ये कटा तो कितना आ जाएगा 63। अब यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करनी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, अब यहाँ पे यस के जगह पे 63, यस के जगह पे 63, ए के जगह पे 45, यस के जगह पे 63, बी के जगह पे 39, यस के जगह पे 63, सी के जगह पे 42। अब ये क्या हो जाएगा 63 वैसे का वैसे ही लिखा गुणे 63 में से 45 गया तो कितना होता है, ये आएगा 18, 63 में से 39 गया तो ये आ जाएगा 24 और 63 में से 42 गया तो ये आ जाएगा 21। अब इसका सबका गुणनखंड निकालना है, 63 का गुणनखंड निकाला तो 3 × 3 × 7 आया, 18 का गुणनखंड क्या आएगा 2 × 3 × 3, देखो 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 24 का निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 4, 4 × 8, 8 × 3 = 24 और 21 का निकालोगे 3 और 7। अब इसमें से 2 2 की जोड़ी बनानी है, वर्गमूल का मतलब क्या होगा 2 2 की जोड़ी बनानी रहती है, यहाँ पे जोड़ी बना करके जब ये लिखोगे उसके बाद में ये सबका गुणा कर दोगे तो कितना जाएगा 756 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, संलग्न आकृति में दिए गए मापों को ध्यान में रख करके पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप देखोगे पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं इसमें आधार दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है, यहाँ पे तो पुराना वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे आधार और ऊंचाई नहीं दिया गया, कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे लंब है और यहाँ पे लंब नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे पी एस आर का जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें आधार गुणे ऊंचाई लगाएंगे और इसमें यस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे देखोगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालना है, तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस में क्या क्या है, पहले पी एस आर है उसके बाद में पी आर क्यू है, यहाँ पे लिखोगे समकोण त्रिभुज पी एस आर का क्षेत्रफल, क्या सूत्र आएगा यहाँ के लिए, आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इस तरीके से आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आधा गुणे आधार क्या बनेगा, देखो यहाँ पे आधार एस आर है, यहाँ पे लिखोगे लेंथ ऑफ यस आर गुणे ऊंचाई क्या बनेगी लेंथ ऑफ पी एस, ऐसे ही बनेगा, ये हो जाएगा आधा गुणे यस आर कितना है 15 गुणे पी एस कितना है 36, तो ये 2 से ये कट गया तो ये कितना आ जाएगा 18,
अब 15 में 18 का गुणा कर दो। यहाँ पे 15 में 18 का गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 8 पंचे 40, हासिल 4, 8 4 12, उसके बाद में 5 एकम 5, 1 एकम 1, इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 0 7 2, ये कितना आ गया 270 वर्ग, क्या दिया गया है मीटर, तो ये आ जाएगा वर्ग मीटर। ये तो सिर्फ ये वाले त्रिभुज का निकला, अब ये वाले त्रिभुज का निकालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दोगे, जब ये वाले त्रिभुज में आधा गुड़े आधार गुड़े ऊंचाई भी नहीं लगेगा, और तब इसके लिए तीसरी भुजा भी चाहिए। तो यहाँ पे देखो कि पी आर, ये पी आर जो ये तीसरी भुजा अगर निकल गई तभी तो हम लोग यहाँ पे यस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये तीसरी भुजा निकलेगी कैसे, यहाँ पे देखोगे पी एस आर है, पी एस आर में ये पाइथागोरस का प्रमेय लगा दोगे तो ये वाली भुजा निकल जाएगी, ये वाली भुजा निकलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समकोण त्रिभुज पी एस आर में कोण पी एस आर बराबर 90 अंश है, इसलिए समकोण त्रिभुज पी एस आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनेगा, देखो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण होगा, ये पी आर का वर्ग आएगा। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ पी आर का वर्ग बराबर लेंथ ऑफ पी एस का वर्ग धन लेंथ ऑफ एस आर का वर्ग, ऐसे ही आएगा। यहाँ पे पी आर का वर्ग तो निकालना है, पी एस का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 36 आ जाएगा, 36 का वर्ग धन एस आर कितना है 15 का वर्ग। अब 36 का वर्ग निकालते हैं, तो हम लोग 36 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 36 में 36 का गुणा कर देंगे, तो 6 छक्का 36, हासिल 3, 6 त्रिक 18, 18 3 21, 3 का पाड़ पड़ो 3 छक 18, 3 त्रिक 9 1 10, ये आ गया 6 9 2 1, कितना आ गया, ये आएगा 1296 प्लस 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग होगा 225। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 6 5 11, 9 2 11 1 12, हासिल 1, 2 2 4, 4 और 1 5, ये कितना गया 1521। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए लेंथ ऑफ पी आर का वर्ग आया है 1521, अब वर्गमूल लेंगे, इसलिए लेंथ ऑफ पी आर जो हो जाएगा वो क्या होगा 1521 का वर्गमूल बनेगा। यहाँ पे देखो कि 1521 का वर्गमूल निकालते हैं, तो यहाँ पे गुणनखंड करना पड़ेगा 1521। अब लास्ट में देखोगे ये एक है ना, कौन सा पहाड़े से जाएगा, ये चले जाएगा 3 के पहाड़े से, तो ये 3 के पहाड़े से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 15, यहाँ पे 0 आ गया, 3 7 21, 507 आता है, अभी 7 5 12 है, तो मतलब 3 के पहाड़े से जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 1 3, यहाँ पे आया 20, 3 6 18, 3 9 27, 169, 169 कौन से पहाड़े से जाता है, ये तो पता है 13 के पहाड़े से जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे 13, 13 यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 मीटर। तो कहने का क्या मतलब है, लेंथ ऑफ पी आर आ गया 39 मीटर। अब हम लोग किसका निकालते हैं, पी आर क्यू का निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज पी आर क्यू में दिया क्या क्या गया, पहले वो लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ पी आर दिया गया, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, यहाँ पे देखोगे ये कितना दिया गया है 39 मीटर, देखो पी आर आया 39 मीटर, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे लिख लो कि ये वाला आया है 39 मीटर। उसके बाद में लेंथ ऑफ पी क्यू को हम लोग क्या मानते हैं, बी मान लेते हैं, बी है 56 मीटर। लेंथ ऑफ आर क्यू कितना है, लेंथ ऑफ आर क्यू को सी मानते हैं, ये हो जाएगा 25 मीटर। जब देखोगे ए बी सी रहेगा तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, अर्ध परिमिति निकालना पड़ता है, अर्ध परिमिति का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। a कितना है 39 प्लस b है 56 प्लस c है 25 बटे में 2। अब ये तीनों को जोड़ दो, 5 6 11 11 9 20, 20 का 0, हासिल 2, 2 5 7 7 3 10, 10 2 12, ये आ गया 120 बटे 2। अब ये कट जाएगा यहाँ पे, ये कितना आ गया 60।
ये यहाँ पे लिख लिया 60 मीटर, ये क्या आ गया, यस यस हमारा आ गया 60 मीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगले पेज पे करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी आर क्यू का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, यस कितना आया है 60 आया है ना, तो ये जगह 60, फिर यस कितना है 60, माइनस ए कितना था 39, यस कितना है 60, बी कितना है 56 और यस कितना है 60, माइनस सी कितना है 25। देखो यहाँ पे ए 39, बी 56 और सी 25। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, यह जगह 60 गुड़े 60 में से 39 गया ये कितना हो जाएगा 21, गुड़े 60 में से 56 गया कितना हो गया 4, 60 में से 25 गया तो ये हो जाएगा 35। अब सबका गुणनखंड निकाल लेना है। अब सबसे पहले 60 का गुणनखंड निकालते हैं, ये 60 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 के पहाड़े से जाएगा तो 30, फिर से 2 के पहाड़े से जाएगा तो 15, फिर से ये 15 है तो 3 के पहाड़े से जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर ये 5 आ जाएगा, मतलब क्या आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे। अब 21 का निकालना है, 21 का तो हमको पता है 7 3 21, 3 गुणे 7 हो जाएगा, 4 का भी पता है ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 35 का निकालते हैं तो 35 का क्या हो जाएगा 5 गुणे 7 हो जाएगा, 7 5 35, इसका और तो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे 2 2 की जोड़ी बनाओ, तो ये 2 आ गया गुणे, ये देखोगे ये 3 3 आ गया 3, ये देखोगे ये 5 और ये 5 आ गया 5 गुणे, ये 7 और ये 7 आ गया 7 गुणे, ये 2 2 आ गया तो ये 2 हो जाएगा, और तो कुछ नहीं बच रहा है ना, नहीं है, तो अब इसको गुणा करते हैं, तो जगह 2 3 6 6 5 30, 30 2 7, 60 में 7 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 420 वर्ग मीटर। ये किसका आया है, ये पी आर क्यू का क्षेत्रफल आया है। अब हमको चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल पूछा गया, यहाँ पे लिखोगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर, देखोगे पी क्यू आर एस में 2 त्रिभुज है ना, पी एस आर है, यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज पी एस आर का क्षेत्रफल धन, इसमें पी आर क्यू का क्षेत्रफल जोड़ दो, त्रिभुज पी आर क्यू का क्षेत्रफल को हमको क्या करना है, जोड़ना है, तो पी एस आर हमारे पास कितना आया था, पी एस आर का क्षेत्रफल कितना आया है 270 वर्ग मीटर है, तो यहाँ पे लिखोगे पी एस आर का क्षेत्रफल बराबर 270 प्लस पी आर क्यू का क्षेत्रफल कितना है, देखोगे यहाँ पे आया 420, ये आ गया 420, अब ये दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 0 7 2 9 6 2 90, 690 वर्ग मीटर आएगा इसका क्षेत्रफल। इसके उत्तर में लिखोगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल 690 वर्ग मीटर है। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया, संलग्न आकृति में कुछ माप दिखाए हैं, इसके आधार पर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखोगे चतुर्भुज ए बी सी डी, यहाँ पे ध्यान दोगे इसमें भी 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज है बी ए डी और दूसरा त्रिभुज है बी डी सी। अब यहाँ पे देखोगे 2 त्रिभुज है, इसमें भी आधार और ऊंचाई दिया गया है, इसमें भी आधार और ऊंचाई दिया गया, तो कहने का क्या मतलब है, इसमें यस वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद में दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि दिया क्या क्या गया है, यहाँ पे देखोगे लेंथ ऑफ ए बी दिया गया है 40 मीटर, उसके बाद में लेंथ ऑफ ए डी दिया गया है 9 मीटर, उसके बाद में और क्या दिया गया, लेंथ ऑफ डी सी दिया गया है 60 मीटर, और क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ बी टी दिया गया है 13 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग बी ए डी का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज बी ए डी का क्षेत्रफल बराबर आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई,
ऊंचाई, तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये बी ए डी में पहले चेक करो, तो यहाँ पे देखोगे आधार क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा और ऊंचाई बन जाएगा ए बी, तो यहाँ पे लिखोगे आधार ए डी हो गया गुणे ऊंचाई हो जाएगा लेंथ ऑफ ए बी। अब यहाँ पे इसको हल कर देते तो यह जगह आधा गुणे ए डी, ए डी का लंबाई कितना दिया गया 9 और ए बी का लंबाई दिया गया 40, यह जाएगा 9 गुणे ए बी आ गया 40। अब इसको कट कर दो तो ये इससे कट हो गया, ये हो गया 20। अब यहाँ पे बचा क्या है 9 गुणे 20, 9 में 20 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 180 वर्ग मीटर, इस तरीके से आएगा। ये आ गया पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब सेम उसी तरीके से दूसरे त्रिभुज का भी निकालना है, दूसरा त्रिभुज क्या है बी डी सी, यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल बराबर, इसका भी सूत्र वही आएगा आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पे ध्यान दोगे यहाँ पे हो जाएगा आधा गुणे आधार क्या है डी सी है, तो यह हो जाएगा लेंथ ऑफ डी सी गुड़े लेंथ ऑफ ऊंचाई कितना है बी टी है बी टी, तो यहाँ पे लिखोगे या आधा के जगह पे आधा ही आएगा, डी सी का वैल्यू कितना दिया गया है 60 और बी टी कितना दिया गया है 13, तो यहाँ पे देखोगे डी सी 60 है बी टी 13 है, और यहाँ से भी देख सकते हो डी सी 60 है बी टी 13 है। अभी इसको कट कर दो तो यह हो जाएगा 30, यहाँ पे बचा क्या 30 गुड़े 13, तो यहाँ पे देखोगे एक जीरो में दिया गया ना, 30 में 13 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 13 तिया 39 और एक जीरो, ये हो गया 390 वर्ग मीटर। अब पूछा क्या गया है ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखोगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इसमें कौन कौन सा त्रिभुज है, इसमें है त्रिभुज बी ए डी का क्षेत्रफल, बी ए डी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल, बी डी सी का क्षेत्रफल इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखोगे बी ए डी का क्षेत्रफल, तो बी ए डी का क्षेत्रफल कितना आया 180, ये हो जाएगा 180 प्लस बी डी सी का कितना आया है 390, ये आएगा 0 0 0 9 8 17, 17 का 7 हासिल है 3 1 4 1 5, ये आ जाएगा 570 वर्ग मीटर। तो इसके उत्तर में लिखोगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 570 वर्ग मीटर है। तो कहने का क्या मतलब है, हमको पूछा गया है ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यहाँ पे देखोगे इसमें दो त्रिभुज बन रहा है बी ए डी और बी डी सी, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, तो बी ए डी में जो है आधा गुड़े आधार गुड़े ऊंचाई लग जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा 9 और ऊंचाई क्या हो जाएगा 40, यहाँ पे देखोगे आधार गुड़े ऊंचाई करके हमने यहाँ पे हल कर दिया 180 आ गया। अब बी डी सी में भी देखोगे आधार 60 है और ऊंचाई 13 है, इसको भी हल किया तो 390 आता है, अब ये दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 570। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे 15.4 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 15.4 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।